दोस्तों आप अपने मसाला बीट चैनल को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कीजिए। दोस्तों आज हम जिस रेसिपी को लेके आए हैं वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में है और खाने में सभी को बहुत स्वाद लगती है, तो बनाना शुरू करते हैं। मसाला बीट चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज हम मसाला पनीर बनाने जा रहे हैं जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है और सभी को बहुत पसंद आता है, तो चलिए बनाते हैं पनीर। देखिए थोड़े से हमने ये पनीर के टुकड़े लिए हैं, ये एक छोटी हमने प्याज इस तरीके से काट ली है, ये देखें। एक चम्मच हमारे पास क्रीम है, दो टमाटर और एक छोटी प्याज हमने पीस ली है, इसमें हरी मिर्च और अदरक भी पीसी है। ये हमने लिया है पनीर का मसाला एक चम्मच, और आधा चम्मच हमने धनिया पाउडर, और चौथाई चम्मच ये हमारे पास हल्दी पाउडर, चौथाई चम्मच ये हमने लिया है मिर्च पाउडर, और स्वाद के हिसाब से नमक। ये हमारे पास शिमला मिर्च है, ये देखिए इतने बड़े टुकड़ों में हमने काट लिए। तो अब हम इसको बनाने के लिए चल रहे हैं। हम इसमें जीरा डाल रहे हैं, हमने रिफाइंड डाल दिया था, गर्म हो गया रिफाइंड हमारा। और अब हम इसमें पहले थोड़ा सा ये प्याज जो हमने काटी थी इसको डाल देते हैं, इस तरह इसे थोड़ा सा ऐसे भून लेंगे, और इसी में हम इसे डाल दिए शिमला मिर्च को भी, थोड़ा सा हम इसे भूनेंगे। देखिए ये हमारा भून गया है, अब हम इसे निकाल ले रहे हैं बाहर। इसमें हम दो तीन चम्मच फिर से रिफाइंड डाल रहे हैं, ये देखिए। अब ये जो हमने पीसे हुआ टमाटर और प्याज डाली थी इसे हम इसमें डाल दें और इसे भूनेंगे बढ़िया से। देखिए भून गया हमारा मसाला, और हम इसमें ये मसाला और डाल दे रहे हैं जो सब्जी मसाला वगैरह रखा था हमारे पास, ये देखिए। और जो हमने ये प्याज और शिमला मिर्च भुनी थी वो भी इसमें ही डाल दे रहे हैं, और साथ में ही डाल दे रहे हैं इसमें पनीर, ये देखिए हमने पनीर भी डाल दिया, कितना अच्छा लग रहा है ये। और इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे जो इसमें थोड़ा मसाला जो है वो इसमें चला जाए पनीर के अंदर, ये देखिए। और इसे हम स्लो फ्लेम पर ढक के रख देंगे। इसमें हम आधा चम्मच चीनी भी डाल दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आता है इसका। इसे 5 मिनट के लिए ढक दे रहे हैं। देखिए हम इसमें क्रीम डाल दे रहे हैं, ये देखिए, और अब हम इसे मिला देंगे और बस 2-3 मिनट इसे पकाएंगे। देखिए कितना बढ़िया इसमें कलर आ गया है, आप देख सकते हैं। यह हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है, देखिए एकदम, आप देख रहे हैं तेल छोड़ दिया, सब्जी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे सर्व करने जा रहे हैं। कितना अच्छा हमारा मसाला पनीर बनके तैयार हो चुका है। आप इसे नान, रोटी या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।